हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासों में भी हमने कुछ प्रोनाउंस के बारे में देख ही चुका था, आज हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किया था हम लोगों ने। ओके, और भी हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, काफ़ी सारे प्रोनाउंस थे जिनके बारे में हमने बात करे थे, और आज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। बहुत छोटा सा प्रोनाउन है, बहुत सिंपल प्रोनाउन है। ओके, तो गाइज मैं आप लोगों को वही चीज़ें कवर करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं और मैं प्रीवियस कम से कम 10 से 12 सालों के एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ओके, ये चीज़ें हमारे स्कूल प्लस कॉम्पिटिशन दोनों के लिए हैं, बेस्ड होती हैं, क्योंकि स्कूल में ही यदि हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमें वही चीज़ कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो हमने प्रोनाउन का पूरा बेसिक तो हम बात कर ही चुके हैं। गाइज यदि आप चैनल पे पहली बार हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन को, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। तो क्वेश्चन मार्क देखकर ही हम समझ जाते हैं कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब इसके अंतर्गत आता है किसी भी चीज़ में क्वेश्चन पूछना। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है कि प्रश्न करना, है ना। तो हम प्रश्न ही करते हैं कि यह किसका है, यह कौन है, दो में से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, है ना। इस टाइप से हम लोग इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, आता है व्हाट, फिर आता है विच, ओके, हु, हुम और हुज। इनसे हम पहचानते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या जब हम इन्हें फिल करेंगे इसमें तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें आएंगी इसमें, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि ब्लैंक दिया है इज दिस, तो अब हमें नॉर्मल सा सेंटेंस है, सभी को पता है ये चीज़, तो आप लोग भी जानते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ इसमें आएगी। ब्लैंक इज दिस, क्या व्हाट इज दिस आएगा, विच इज दिस आएगा, हाँ हु इज दिस आएगा, हुम इज दिस आ जाएगा, या हुज इज दिस आएगा। तो आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता ही है कि हमें पता है ही कि हम लोग व्हाट इज दिस ही बोलते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस हम लोग बोलते ही रहते हैं ना, हमारे जनरल लैंग्वेज में यही वर्ड आता है। तो यहाँ पे फिल हो जाएगा व्हाट इज दिस। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन को, कि इज स्मार्टर लिखा है और ब्लैंक लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम लिखेंगे कि स्मार्टर की बात हो रही है, मतलब किसी से कंपेयर हो रहा है कि कौन ज़्यादा सुंदर है या कौन ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, मतलब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ कंपेयर हो रहा है कि ये सुंदर है या ये सुंदर है, हम किसी से पूछ रहे हैं ना कि कौन ज़्यादा स्मार्टर है। ओके, या ब्यूटीफुल भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मान लो। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, क्या व्हाट इज स्मार्टर लिखेंगे, नहीं। विच इज स्मार्टर लिखेंगे, नहीं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्मार्टर होता है, नहीं, कभी सुना ही नहीं हमने। विच इज स्मार्टर होता है, हाँ होता है, हमने सुना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्मार्ट है, तो इस ऑप्शन में आ जाएगा विच इज स्मार्टर। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट की ब्लैंक दिया है, डू यू मीन, तो अब आप तो पता ही है आप लोगों को ये सब चीज़ें कि क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, कि हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि विच डू यू मीन, हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो हम इस कंडीशन में यहाँ पे व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम पता ही हमें ना ये सेंटेंस की व्हाट डू यू मीन, What do you mean, हम लोग डेली बोलते ही रहते हैं, डेली का ही सेंटेंस है, तो इस टाइप से इसका प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ब्लैंक दिया है, डिड यू गो विथ। ओके, तो अब इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा,
तो डिड यू गो विथ का मतलब होता है कि तुम किसके साथ गई थी, ओके, या तो किसके साथ गई थी हम लोग बोलेंगे ना, तो किसके साथ गई थी हम फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हुम डिड यू गो विथ, ओके, तो हम यहां हुम का प्रयोग करेंगे, हुम डिड यू गो विथ। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक, कि ब्लैंक दिया है इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब आप समझ ही गए होंगे कि इन पांच प्रोनाउन में से, इंटरोगेटिव में से हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, तो हम मैच करेंगे व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, नहीं, विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, नहीं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हाँ हम यही कहते हैं ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो हमने यहाँ हु का प्रयोग किया, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लैंक, यू सॉ ब्लैंक दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यू सॉ हुम, ओके। अब हम इसमें हुम क्यों लिख रहे हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए, तो हम हुम इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ क्योंकि पीछे ब्लैंक है और ब्लैंक में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है या ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, हम यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, कभी भी आप याद रखिए यदि पीछे ब्लैंक है तो पीछे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ऑब्जेक्टिव केस हमारा आता है हुम में, ओके। फिर हम देखेंगे ब्लैंक दिया है लॉस और यू लिखा है, ओके, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे हु लॉस यू, ओके। तो इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क देख के पहचान आ जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ओके, और हम विच का प्रयोग हमेशा सिलेक्शन के लिए करते हैं, मतलब किसी भी चीज को हमें यदि सेलेक्ट करना होता है कि दो में से कौन अच्छा है, दो में से कौन ऊंचा है, दो में से कौन नीचा है, तो उसके लिए हम लोग इस प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब विच का। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो गाइस, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़े से बड़े प्रोनाउन है, तो अभी हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये छोटा सा प्रोनाउन था, ओके। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इसके बाद में जो क्लास होगी हमारी, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप उसमें से और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी तो आप लोग नेट से सर्च कर ही सकते हैं, ओके, गूगल से, और गूगल से सर्च करिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बस हो गया। तो गाइज, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ऐसा लगा। तो गाइस, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में आगे के प्रोनाउन के साथ, ओके, थैंक यू।